नमस्कार, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा चैनल रेड अलर्ट न्यूज में। आइए लेकर चलते हैं आपको आज की खबरों। खबर है टीकमगढ़ के मोहनगढ़ से, जहां मोहनगढ़ में पानी की विकराल समस्या। कहने को तो मोहनगढ़ में नल जल योजना है, मगर नल कभी कभार ही आते हैं। इस कारण कस्बा वासी बूंद बूंद पानी को मोहताज हो रहे हैं। मजबूर होकर ग्रामीण सालों से कचरा घर बने कुएं की स्वयं सफाई कर रहे हैं। कुछ युवक कुआं के अंदर उतरकर बाल्टियों से कचरा भरते हैं, तो कुछ युवक बाल्टी खींचकर कचरे को बाहर फेंक देते हैं, जिससे कुआं कचरा मुक्त हो जाए और मोहल्ले वालों को पानी का प्रबंध हो सके। ग्रामीण शकील खां, रहीम खां कल्लू नापित, जयप्रकाश अवस्थी, रहीम खां जगदीश केवट ने बताया कि हम लोगों ने कई बार पानी की समस्या के बारे में प्रशासन को अवगत कराया, मगर इस ओर ध्यान नहीं दिया गया और ना ही कुओं की सफाई में हम लोगों को प्रशासन से किसी भी प्रकार का सहयोग मिल रहा है। जी, हमारे मोहल्ले में पानी की बहुत समस्या है और नल कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। इस वजह से काफ़ी परेशानी हो रही पानी की, तो सरपंच से और प्रशासन से इसकी सफाई के लिए कहा गया था, लेकिन उन्होंने नहीं किया, तो हम लोग मोहल्ले वाले इकट्ठे हो गए और कुओं की सफाई कर रहे हैं। जी, अभी तक कोई मदद नहीं दी। अभी जो हमें मोहल्ला वाले सब इकट्ठे होके उसी का साफ कर रहे हैं, पूरे कुआ कचरा और उसको साफ सफाई में लगे हुए हैं। मोहनगढ़ से अवधेश शुक्ला की रिपोर्ट।